कभी देवी पार्वती, कभी महाकाली और कभी दिल्ली की छोरी सास बहु बेटियां आज पूरा दिन बिता रहा है सीरियल महाकाली की पार्वती और काली यानी पूजा शर्मा के साथ। भाई पूजा को आपने सीरियल महाभारत में द्रौपदी के रूप में देखा है, लेकिन रियल लाइफ में कैसी हैं पूजा, वो कहाँ रहती हैं, कैसा है उनका घर, कौन है उनके साथी, कैसे वो बन जाती हैं पार्वती, कैसा है उनके पार्वती का मेकअप, कैसे हैं उनके गहने, कैसे वो अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं, ये सब जानने के लिए हम पहुँचे मुंबई से 300 किलोमीटर दूर उमरगांव, जहाँ पर होती है सीरियल महाकाली की शूटिंग, जहाँ पर पूजा शर्मा ने अपना टेम्पररी लेकिन छोटा सा प्यारा सा घर बना लिया है। तो पूजा के साथ घर से सेट तक के सफर के लिए हम पहुँचे उनके उमरगांव वाले घर, बजाई उनके घर की घंटी और उन्हें कहा गुड मॉर्निंग। हाय। यूँ तो पूजा दिल्ली की रहने वाली है और मुंबई में सीरियल्स में काम करती है, लेकिन आजकल उमरगांव का ये फ्लैट बन गया है उनका डेरा, क्योंकि उनकी सीरियल महाकाली की शूटिंग होती है उमरगांव में। मैं अभी शूट पे जाने वाली थी और आई थिंक मेरे दरवाजे पे आप लोग खड़े हैं, तो आइए एक नजर मेरे घर की तरफ मारिए। इसलिए गुजरात का ये छोटा सा शहर अब पूजा का घर है, लेकिन वो अपने घर को बहुत मिस करती है। घर चाहिए हो तो सबसे पहले फैमिली चाहिए होती है, एक्चुअली मेरी फैमिली दिल्ली में है, तो उन सबको यहाँ पर लेकर आना तो बहुत मुश्किल होगा। सो आई थिंक कोई भी घर मेरे लिए कम्प्लीटली घर तो नहीं बन सकता, पर आई थिंक आपके अपने कुछ पर्सनल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं अपने घर में एक रॉक सॉल्ट का लैम्प रखती हूँ, यू नो आई थिंक दैट गिव्स मी लाइट एंड पॉजिटिविटी, तो वो यहाँ पे लेकर आना ही बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसी छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अगर आ जाएँ तो ये घर कम्प्लीट घर बन जाएगा, बट वी आर इन द प्रोसेस, हमने ये अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो आई थिंक रहते रहते आदत पड़ जाएगी। भाई पूजा की सुबह की शुरुआत होती है उनके घर की इस हरियाली भरी बालकनी के साथ, जहाँ वो करती है प्राणायाम। ब्यूटीफुल व्यू वाली बालकनी है और यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है। यहाँ मैं आती हूँ जब मुझे खुले में ब्रीथ करना होता है, यहाँ मैं आती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल मून का व्यू भी मिलता है। तो आप देख सकते हैं मेरी ब्यूटीफुल बालकनी। डेफिनेटली ये व्यू बॉम्बे में बहुत कम मिलता है, ये हरियाली बॉम्बे में तो बिल्कुल नहीं मिलती है, और यहाँ पर आप रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ की हवा बहुत साफ़ है, तो उमरगांव में आके आप फ्रेशली ब्रीथ कर सकते हैं। भाई आप देखते हैं कि पूजा ने अपने टेम्परेरी से घर को कैसे सजाया है। तो ये है वो जगह जहाँ पे हम उमरगांव में रहते हैं, आपने एंटर किया है, ये मेरा एक लिविंग रूम है जिसे मैंने लिविंग रूम की जैसे तो नहीं यूज़ किया हुआ अभी। जी देखिए कि मेरे लिविंग रूम में एक एक्स्ट्रा बेड पड़ा है, हम लोग अभी भी सेटल हो रहे हैं, कुछ टाइम लग जाएगा इस घर को एग्जैक्टली अपना घर बनाने में, बट प्रोसेस शुरू हो गया है। आई टेक यू टू माई बेडरूम। तो ये है मेरा छोटा सा बेडरूम, ये मेरा बेड है, ये वो टीवी है जिसपे मैं अपने ही शो का टेलीकास्ट देखती हूँ, और यहाँ भी मेरे पास एक छोटी सी बालकनी है। कैसा है उनका डेली रूटीन? छोटी छोटी चीज़ें अपने पास रखनी होती हैं कभी कभी, यू नो लाइक एक कम्फर्ट फूड जिसे कहते हैं, उसके लिए ये थोड़े से मेरे फ्रिज में ऐसे मफिन्स पड़े हैं, एंड मेरे ही शो में मेरी को एक्टर लक्ष्मी लास्ट टाइम जब गई थी तो मेरे लिए बादाम छोड़ कर गई थी, तो वो पड़े हैं, वो मुझे खाने शुरू करने हैं, बट आज भी मैं आई हूँ तो हाँ ये छोटी छोटी चीज़ें लेकर आनी पड़ती हैं, जैसे कि डेट्स, जैसे कि आमंड्स, जैसे कि ये कम्फर्ट फूड लाइक चिप्स एंड स्नैक्स एंड छोटे मोटे केक्स एंड मफिन्स, ये तो ऑफकोर्स अपने पास रखने पड़ते हैं। अपनी जन्मभूमि दिल्ली और अपनी कर्मभूमि मुंबई से दूर पूजा को काम के लिए यहाँ पर रहना पड़ रहा है, दिन रात की शूटिंग होती है और इस घर में वो बस सोने आती हैं। ऐसे में अपनी फैमिली को बहुत मिस करती है पूजा। मुझे उमरगांव में रहके शूट करने की, बट इस बार शूट बहुत लंबा हो रहा है, बिल्कुल ब्रेक्स नहीं मिल रहे। महाभारत के टाइम पे फिर भी ब्रेक्स मिल जाते थे, आना जाना लगा रहता था, यहाँ तो आई थिंक पिछले 2 महीने से कॉन्स्टेंटली हम लोग यहीं पर रह रहे हैं। आई डू मिस बॉम्बे वेरी हैवीली, बट अब काम करना है तो यहाँ रहना ही है। भाई आखिरकार पूजा तैयार है सेट पर जाने के लिए, इसे अपना बैग वैग उठाकर चश्मा वश्मा लगाकर निकल पड़ी अपने सेट की हो, जो उनके घर से बस 15 मिनट दूरी पर है। बदला न सारा यू यू यू, सारा का सारा न्यू न्यू न्यू, मैं हैप्पी वैप्पी क्यों क्यों क्यों, मैं बिजी बिजी हूं। ये जो ड्राइव है यहाँ से जहाँ हम रहते हैं यहाँ से हमारे सेट तक,
फ्लैक्सीड देखेंगे रास्ते में, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्राइव. उमरगांव में रहने का यही एक फ़ायदा है कि इट्स अ वेरी ग्रीन पीसफुल ब्यूटीफुल प्लेस. बारिशों का मौसम है तो ग्रीनरी और निखर के आ रही है. तो जब भी मैं रोज़ सुबह काम पे जाती हूँ, तो अभी तो आपसे बातें कर रही हूँ, नॉर्मली मैं प्रेफर करती हूँ कि ये जो 5 मिनट की ड्राइव है ये एक्चुअली बहुत क्वाइट हो, पीसफुल हो, कोई मुझसे बात नहीं करे. आई टेक दैट टाइम अपने बैटरीज रिचार्ज करने के लिए, नो एक डे की इंटेंशन सेट करने के लिए कि आज क्या करना है, क्या अचीव करना है, वो करना पसंद करती हूँ. हो सके तो अच्छा म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ अपनी कार में, पर आज आपसे बातें कर रही हूँ. और मेरे साथ रोज़ ट्रैवल करते हैं, आप देख सकते हैं आगे बैठे हैं, ये मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं, लोगों से हाय. वैसे घर से सेट तक के सफर के दौरान पूजा ने हमें सुनाई अपने करियर और जिंदगी की कहानी. दिल्ली से हूँ, वहीं पली बड़ी, और परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ हमेशा से मेरा इंक्लिनेशन था. तो कॉलेज के दिनों में मुझे एंकरिंग करने का मौका मिला शोज़ का. डीडी के लिए मैंने शोज़ होस्ट किए. वो होस्टिंग करते करते मुझे जूम के लिए ऑफ़र आया होस्ट करने के लिए शोज़. तो मैंने बॉम्बे आके वो होस्टिंग की, बट उस टाइम पे मैं बॉम्बे आते जाते रहती थी, मैं दिल्ली में ही मेरा बेस था. फिर उसके बाद काफ़ी एड्स किए, एडसन से काफ़ी फैसिनेशन था मुझे बचपन से, तो काफ़ी एड्स किए. और उसके बाद एक्टिंग की तरफ नेचुरली बेंट हो गया, क्योंकि मुझे तेरी मेरी लव स्टोरीज करके एक छोटा सा एक सीरीज़ मिला, उसके अंदर मैंने काम किया. और उसके बाद आई गॉट माय फर्स्ट शो विच वाज महाभारत, जो कि सेम प्रोडक्शन हाउस के साथ था, स्वास्थ्य प्रोडक्शंस, मेरा डेब्यू उनके साथ था. महाभारत के बाद अब मैं अपना सेकंड शो कर रही हूँ जिसका नाम है महाकाली, और आज आप मेरे सामने. रास्ते के नज़ारों का मज़ा उठाते उठाते आखिरकार हम पहुँच गए उमरगांव के स्टूडियो में, जहाँ पर होती है सीरियल काली की शूटिंग, और जो है पूजा का दूसरा घर. तो अब हम पहुंच गए हैं मेरे सेट में. यह है मेरी वैनिटी वैन जहां पे मैं रेडी होती हूं. तो समय आ गया है पूजा से पार्वती बनने का. आई होप आपने मेरी छोटी सी मॉर्निंग जर्नी, माय रूट मेरे घर से मेरे सेट तक को एंजॉय किया होगा मेरे साथ. तो मिलती हूं मैं आपसे थोड़ी देर बाद पार्वती बनकर. भाई दाखिल हो जाते हैं पूजा की वैनिटी वैन में, जहाँ वो पूजा शर्मा से बन जाएंगी देवी पार्वती. भाई देवी पार्वती बनने के लिए पूजा का श्रृंगार होता है बड़ा ही लंबा चौड़ा. चेहरे की रंगत बदली जाती है, उनके बाल बदल जाते हैं, और सबसे खास होता है उनका कॉस्ट्यूम. कॉस्ट्यूम के साथ साथ उनका मेकअप भी है बहुत ही अलग. भाई ये देवी जो बनी है इसलिए इनका मेकअप भी अलग है, और उसके करने का तरीका भी. आखिरकार पूजा का कॉस्ट्यूम तैयार है, अब चलते हैं सेट पर, जहां उन्हें भारी भरकम गहने पहने हैं, और जहां पर महादेव शंकर के साथ उन्हें सीन्स देने हैं. अब देखते हैं कि आखिर सेट पर आज कौन सा सीन फिल्माया जा रहा है. भाई महादेव और पार्वती शादी के बाद कैलाश पर्वत आए हैं, इसलिए देवी उनका स्वागत कर रही हैं. वैसे माँ पार्वती के गहने और श्रृंगार बड़ा ही खास है, तो चलिए सेट पर देखते हैं कि देवी माँ बनने के लिए पूजा किस तरह के गहने पहनती है. तो एक्चुअली पर्सनली मुझे ज़्यादा सजना सवरना और तैयार होना ज़्यादा पसंद नहीं है. आई लाइक टू कीप इट नेचुरल एंड ईजी. बट आपने बिल्कुल सही कहा, मैं रोज़ ऐसे करती हूँ जिसके अंदर मुझे बहुत सारा ये सब ज्वेलरी और ये सब पहनने को मिलता है. तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि पार्वती की ज्वेलरी क्या है. तो ये हमारा बिगेस्ट ज्वेलरी पीस है, और यहाँ पे ये नेक पीस है. ये 3-4 पार्ट्स में है. ये एक चोकर फॉर्मेट में नेक पीस है. चोकर मेरा पर्सनल ये एक फेवरेट फॉर्मेट है नेक पीसेस के लिए. उसके बाद इसी के साथ अटैच्ड है इसकी शोल्डर ज्वेलरी, जो कि हम ऐसे उठा के शोल्डर पे रेस्ट करते हैं. इट गिव्स अ वेरी डेलिकेट एंड डेंटी लुक टू द कैरेक्टर. फिर एक यहाँ से एक ये बेल्ट निकलती है जो वेस्ट पे जाके अटैच होती है. ये पार्वती की कमर पेटी है. अगेन ये 3 पार्ट्स में है, एंड इट्स क्वाइट एलैबोरेट एंड इट गिव्स अ वेरी गुड काइंड ऑफ फिट टू द वेस्ट. ये हमारी हेड ज्वेलरी है, मांग टीका और हेड गेयर अटैच्ड है. इसके बाद मैं आती हूँ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट पीसेस ऑफ ज्वेलरी, जो मेरी एक बहुत ही फेवरेट पीस ऑफ ज्वेलरी है उस पर, वो है नथ.
मुझे लगता है कि नथ किसी भी गर्ल के चेहरे को बहुत ब्यूटीफुली एनहांस करती है, तो ये पार्वती की नथ है, इसमें अंदर नगों का काम हुआ हुआ है और मुझे पर्सनली बहुत खूबसूरत लगती है ये नथ। इसके बाद माय सेकंड मोस्ट फेवरेट पीस ऑफ ज्वेलरी है ये हाथ फूल। इसे तीन उंगलियों में ऐसे पहना जाता है और ये हाथ को एक बहुत ही डेलिकेट फील देता है। काली और पार्वती की लुक एकदम डिफरेंट है क्योंकि उसके पीछे का थॉट एकदम डिफरेंट है, क्योंकि जैसे पार्वती की लुक मैंने आपको बताया बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट है, उधर काली की लुक इज़ एग्जैक्टली लाइक काली, शी इज़ डिवाइन फेरोशियस एंड शी इज़ अ फाइटर। बट फाइटर हैं तो ज्वेलरी पर कोई रहम नहीं की गई है, फुल ऑन ज्वेलरी है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ज्वेलरी का डिज़ाइन किया है, वो घुटनों के नीचे से ज्वेलरी दी गई है पूरे पैरों के अंदर, जो मैंने खुद पर्सनली पहले कभी किसी को यूज़ करते नहीं देखा। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इनोवेटिव थिंग जो हमारी स्टाइलिस्ट हमारे ज्वेलरी डिज़ाइनर ने किया है। और काली की वेस्ट बेल्ट है और काली की एक्सेसरीज के अंदर ज्वेलरी के साथ साथ एक मुंडमाला आती है जो गले में आती है, और साथ में एक हाथों की बेल्ट है। जब वो असुरों का संहार करती है तो उसके बाद उनके हाथों को काट कर उसकी एक माला बना के पहन लेती है, तो काली के एक्सेसरीज थोड़े काली के जैसे हैं फिरोशियस। आई थिंक मैथोलॉजिकल शोज़ का जॉनर ऐसा होता है जहाँ पे इन्विजन किया जाता है कि उस समय में स्त्रियों के बाल शायद थोड़े लंबे और घने होते थे, और आई थिंक महाकाली की एक अंडरस्टैंडिंग है, एक इमेज जो हमने हमेशा से देखी है उसके अंदर बहुत ही प्रचंड केश होते हैं उनके, और वैसे ही हमारे शो के अंदर भी है। मेरी विग कोई 4-4.5 किलो की है, एक बहुत ही भारी विग, उसे पहनना, उसे मेंटेन करना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें एक्शन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके कंपैरिजन में पार्वती की विग इज़ रिलेटिवली लाइटर एंड सॉफ्टर एंड आई कैन टेक अ ट्वर्ल ताकि आप देख लें कि वो विग कैसी है। भाई पूजा का श्रायो श्रृंगार तो समझ लिया, लेकिन आज इन्हें बहुत देर तक शूटिंग करनी है और सास बहू और भेजिया को वापस मुंबई जाना है, इसलिए पूजा को कहते हैं अलविदा और लेते हैं देवी पार्वती से चलते चलते आशीर्वाद। मैं अपने फैंस को ये कहना चाहूंगी कि महाकाली अंत ही आरंभ है नाम का हमारा शो आ रहा है कलर्स पर 22 जुलाई ऑनवर्ड सैटरडे एंड संडे 7 PM जरूर देखिएगा। एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक बहुत अच्छा मैसेज हमने भी विन किया है एंड आई एम श्योर आप बहुत थरली एंजॉय करेंगे पार्वती की इस जर्नी को कि वो कैसे पार्वती से महाकाली बनती है। सो डू वॉच अस। क्यों मेरे समक्ष भूमि पर झुके आप महादेव, क्यों? अपने मन में उत्पन्न प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरा जाना आवश्यक है। अपने अंतर्द्वंद से जूझती पार्वती अकेले चल पड़ी है जानने अपने अतीत की सच्चाई। हमें पार्वती को मार्ग नहीं दिखाना पड़ेगा, पार्वती हमें मार्ग दिखाएगी। तो उम्मीद है महाकाली की देवी पार्वती और काली के साथ पूरा दिन बिताकर आपको दिल्ली की छोरी पूजा शर्मा के बारे में छोटी छोटी बातें पता चली होंगी जो शायद उनके सीरियल महाभारत और महाकाली में भी आपको नहीं पता हो, और पूजा शर्मा की जिंदगी की सारी झलक आपको दिखलाई सास बहू और बेटिया ने। प्रेम अटूट अटूट है बंधन, सती के नैनों के शिव अंजन। आकिब खान उमर खान आज तक। प्रेम अटूट अटूट है बंधन, सती के नैनों